कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के चलते किए गए लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों तक कई समाज संगठन और संस्थाएं भोजन पहुंचाने में जुटी है। लोग अस्पतालों, कच्ची बस्तियों के अलावा बेघर लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इस दौरान लोग पूरी सावधानी भी बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भामाशाह अमरचंद चैनराज बोथरा परिवार ने अपने पिता स्वर्गीय गणपत लाल बोथरा की स्मृति में करीब 500 जरूरतमंदों को सूखी खाद्य सामग्री देने का लक्ष्य रखा, जिसके तहत आज करीब 200 लोगों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। स्थानीय जैन कॉलोनी में निवास करने वाले परिवारों द्वारा सामूहिक सहयोग कर स्थान पर खाना बनाकर कस्बे में रहने वाले अप्रवासी बिहारी मजदूरों के घर खाने के पैकेट पहुँचाए जा रहे हैं। अस्पताल, रेलवे स्टेशन और कई सार्वजनिक स्थानों पर और आसपास के क्षेत्र में भी जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट नियमित तौर पर वितरित किए जा रहे हैं। भामाशाह गिरधारीलाल अग्रवाल ने राजकीय मदद कोष में 51,000 रुपये दान दिए और 35 परिवारों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए। श्रीमती संपत देवी उत्तमचंद कोटेजा द्वारा 35 खाद्य सामग्री किट वितरित किए गए। महावीर इंटरनेशनल वीर एवं वीरा केंद्र द्वारा 25 खाद्य सामग्री के किट जरूरतमंदों को वितरित किए। राशन सामग्री किट में कच्ची सामग्री जिसमें आटा, तेल, दाल, चावल, मसाले, आलू प्याज, बिस्किट आदि वितरित किए जा रहे हैं। समाज सेवी वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा ने कहा कि कस्बे में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा भी जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनके घर तक राशन सामग्री पहुँचाई जा रही है। आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि बचाव ही उपचार है। इस भयावह वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है, सभी देश चिंतित है तथा मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने घरों में सुरक्षित रहें, सोशल जो वेलफेयर के काम होते हैं, समाज सेवा के काम होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। गरीब लोगों को आपकी ज़रूरत है, मजबूर लोगों को आपकी ज़रूरत है, उनके लिए आप इस वक्त अपने जेब से अगर 10 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तो ये मानवता का एक उदाहरण होगा। कोरोना के बारे में जो ये खेल रहा है इसके बारे में अतुल कुमार विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। कोरोना वायरस एक जलजला है, पूरा विश्व इस अग्नि में जल रहा है। ऐसे समय में हमें जो भी दानदाता हैं, भामाशाह हैं, गरीबों के, दलितों के सहायता के लिए आगे आना चाहिए। यह एक मानव जाति के लिए बहुत बड़ी घात है। यह युद्ध स्तरीय काम हो रहा है, सरकारें भी और भामाशाह दानदाता इसमें आगे आ रहे हैं। हमारा भी यही कहना है, मानव जाति को बचाने के लिए सबको अपनी क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान चाहिए। अभी जो वितरण जो आपने किया है गणपत लाल जी बोथरा के परिवार से, कितने लोगों को वितरण किया है, क्या सिस्टम रहा? ये हमने 100 किट वितरण किए हैं, बोराड़ की जरूरतमंद गरीब जनता के लिए है। इसमें 3 किलो आटा है, आधा किलो दाल है, 1 किलो चावल है, 2 किलो चावल है, उसके अलावा 200 ग्राम मिर्ची, नमक, धड़ा, आलू, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज। ये आम गरीब तक पहुंचे। ये हमारा लक्ष्य, सरसों का तेल है 200 ग्राम की सीसी। अब तक कितने आदमियों को वितरण किया जा चुका? हमने लगभग 100 किट भेंट कर दिए हैं, बाकी हमारा और भी प्रोग्राम है, हम और भी किट भेंट करेंगे जनता को, जो जरूरतमंद है उनको। हम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, कि आगे आइए भामाशाह, और इस जो ये कोरोना वायरस की जो महामारी फैली है, भगवान ने आपको काफ़ी धन दिया है, इज्जत दी है, आप उसका सदुपयोग कीजिए, और आम जनता जो गरीब जनता है
उसके लिए अपने द्वार खोल दीजिए। सरकार की तरफ से ये मैसेज आ रहा है आप अपने घरों में रहें, तो सरकार की तरफ से जो मैसेज आ रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल सत्य है। हम अगर घर में रहेंगे तो इस वायरस से हम मुकाबला कर सकते हैं। मेरी आम जनता से यही निवेदन है कि आप अपने घरों में बने रहें। जो भी कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के कारण देश में लॉकडाउन के चलते ग्राम पंचायत जिलिया में राशन डीलरों ने मंगलवार को प्रत्येक माह में मिलने वाले राशन को डोर टू डोर राशन वितरण किया गया। राशन डीलर अर्जुन सिंह शेखावत ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकले, इसलिए राशन कार्ड में पात्र लोगों को घर घर जाकर राशन दिया जा रहा है। इस दौरान सरपंच गिरधारी बावरी, किशन सिंह, बाबू सैनी, हनुमान गुजर, दीपू सिंह ने राशन वितरण में सहयोग दिया। वैश्विक महासंकट व विकट परिस्थितियों में भारत में लॉकडाउन के चलते मानव सेवार्थ व मानव परोपकार, मानव कल्याण के लिए भामाशाह आगे आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर गणपत लाल सोनी के अनुसार खींवसर में भी भामाशाहों ने जरूरतमंदों को राशन वितरण किया, जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, आधा किलो तेल, आधा किलो दाल एवं 1 किलो नमक और 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 साबुन और करीब 370 लोगों को ये राशन सामग्री भामाशाह कमल किशोर चांडक के द्वारा वितरित की गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि चंपालाल गंगाराम जाट व शंकरलाल ब्रजगोपाल बिहारी लाल चांडक एवं चांडक परिवारजन उपस्थित थे। कुचामन फोर्ट द्वारा रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने का काम 8वें दिन भी जारी रहा। शहर के विभिन्न मोहल्लों तथा स्टेशन रोड स्थित कच्ची बस्तियों के लिए 65 परिवारों को राशन सामग्री पहुंचाई। अध्यक्ष लाइन राम काबरा, सचिव लाइन आशीष जैन, पार्षद गौरीशंकर शर्मा, लाइन मोहित जैन, लाइन विशाल लालूका, लाइन ऋतुराज जैन, नगरपालिका लिपिक कन्वर लाल, लियो यश बंसल, लियो सौरभ सोनी ने जरूरतमंदों को घर घर जाकर आटा, दाल, तेल एवं मिर्च मसाले वितरित किए और उन्हें कोरोना वायरस से सावधानियां बरतते हुए घर पर ही रहने का निवेदन किया। राशन पाकर जरूरतमंदों ने भामाशाह वर्मा परिवार एम लाइन्स क्लब कुचामन फोर्ट को दिल से दुआएं दी। नगर परिषद मकराना के वार्ड नंबर 2 के क्षेत्रराज का बेरा व बागरिया कच्ची बस्ती में पार्षद मनोज कुमार खत्ती द्वारा कोरोना वायरस के संकट में लॉकडाउन की स्थिति में गरीब तबके, निराश्रित व जरूरतमंद लोगों को सूखी राशन सामग्री और एक समय का भोजन उपलब्ध करवाया गया। छोटे बच्चों को चॉकलेट के किट भी वितरित किए गए। पार्षद मनोज खत्ती ने बताया कि जो सुबह कमाने जाते थे और शाम को आकर खाते थे, उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मुझसे मदद के लिए बोलने वालों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन आप सभी समझ सकते हैं कि चाहकर भी मैं तमाम लोगों तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे लोग जो जरूरत है और जो मुझसे मदद चाहते हैं, वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मकराना में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की मांग से कालाबाजारी बढ़ रही है। प्रशासन का पूरा ध्यान लोगों को घरों से बाहर ना निकलने देने पर है, जबकि मकराना, बोरावड, बिदिया, जूसरी सहित संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में स्थित गली मोहल्लों में मनमाने दाम पर घरेलू जरूरत की वस्तुओं और सब्जी की बिक्री हो रही है। लोग भी अपने आसपास के लोगों को समझा रहे हैं और इस मुश्किल की घड़ी में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक से भी लगातार अपील की जा रही है, लेकिन स्थानीय कई दुकानदारों की ओर से जरूरत की वस्तुओं का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दिया जाना चिंता का विषय है। इस बात की शिकायत प्रशासन के पास नहीं पहुंच रही, लेकिन अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं राकेश कुमार जाटोलिया। हाँ सही है। कैमरा कुमार, ये मुकेश जी, कट्टे के 200 रुपए हैं, 10 किलो के 260 रुपए, लेकिन ये 320 रुपए ले रहे पब्लिक से। आम पब्लिक से 320 रुपए ले रहे। ये रहे इनके सरकारी टीचर जो टीम जीपी विद्या एसडीएम प्रोफेसर द्वारा लगाए गए हैं, इनके समक्ष ही लिए जा रहे हैं, इनके सामने ही लिए जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। टाइमिंग के अनुसार 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकान खुलनी चाहिए, लेकिन पूरे दिन खुली रहती है इनकी दुकान। क्यों बाबंदरी बटीन क्यों खुली रही? मार्गन कैमरो कुमार, ये है सरकारी कर्मचारी, इनकी है ड्यूटी। ये कहते हम दबाव से, इनकी ड्यूटी है, नहीं कर सकते तुम। और ये है ना पब्लिक को, आम पब्लिक को कहने का मतलब प्रेशर में डाल रहे हैं। इनकी ड्यूटी है गाइड करना, प्रत्येक पब्लिक को गाइड करना, लेकिन गाइड करने के बजाय ये पक्षबाजी कर रहे हैं। क्यों?